नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 10.5। एग्जाम्पल नंबर 10.5, गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग यूज्ड इन एन ऑटोमोबाइल इंजन इज 1.25 mm। इफ द पोटेंशियल ऑफ 20 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस द गैप, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। अब पोटेंशियल क्या होता है हम बाद में देखेंगे, बट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व डायरेक्टली विदाउट नोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल। सिर्फ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है वो हम बाद में डिराइव करेंगे। गैप बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ स्पार्क प्लग, यू नो देयर इज अ स्पार्क प्लग इन व्हीकल। स्पेसिफिकली अगर बजाज की गाड़ी का नाम सुना होगा तो आखिरी में DT ऐसा ऐसा कुछ लिखा होता है, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन। अभी स्पार्क का मतलब क्या, जैसे घर में लाइटर होता है ना, गैस चालू करते हो, देन यू क्रिएट अ स्पार्क। व्हाई? क्योंकि यू वांट टू सेट फायर। तो सिमिलरली गाड़ी में भी फ्यूल बर्न करने के लिए, फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल जो भी आपकी गाड़ी होगी, पेट्रोल इंजन होगा तो पेट्रोल को बर्न करना है, हीट इंजन होता है वो, वहाँ पे पेट्रोल को हम जलाते हैं, तो बर्न करने के लिए वी हैव टू हैव अ स्पार्क, इग्नाइट करना पड़ेगा। तो गाड़ी में भी इन व्हीकल ऑल्सो यू हैव अ स्पार्क प्लग। और स्पार्क प्लग होता क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड मतलब दो कंडक्टिंग प्लेट्स है बेसिकली, यू हैव टू कंडक्टिंग प्लेट्स जिसको हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, सो समथिंग लाइक दिस। ऐसे दो इलेक्ट्रोड्स है, टू इलेक्ट्रोड्स। तो इन दिस केस जब भी आप गाड़ी का बटन स्टार्ट होता है, प्रेस द बटन या फिर किक स्टार्ट होगा, तो किक मारोगे गाड़ी को तो एक स्पार्क जनरेट होता है विच गोज फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। लाइटर देखो, अगर लाइटर में दिखता होगा ऐसा स्पार्क जनरेट होता होगा, वैसा स्पार्क है, दैट्स इट। अब ये जो दो आपके पास इलेक्ट्रोड्स है, इन दोनों में पोटेंशियल कितना दिया हुआ है आपको, दे हैव गिवन यू सम वैल्यू 20 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 20 वोल्ट। और दोनों में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस दिया है आपको हाउ मच, 1.25 mm, 1.25 mm। तो दिस डिस्टेंस इज 1.25 mm, इसको हम डिनोट करेंगे डी से, तो डी इक्वल टू 1.25 mm। और फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, व्हाट विल बी द मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। तो पोटेंशियल हम बाद में देखने वाले हैं, वी विल लर्न। पोटेंशियल को डिनोट करते हो वी से, तो वी कितना है, 20 वोल्ट। डिस्टेंस कितना है, 1.25 mm, 1.25 mm। आपको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले मिलीमीटर टू मीटर में कन्वर्ट करो, 10^-3 meter। देन इलेक्ट्रिक फील्ड का एक अल्टरनेट फॉर्मूला भी है, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल से डिवाइड कर दो, यू गेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो ऐसा यूनिट क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल का यूनिट क्या है, वोल्ट। डिस्टेंस का क्या है, मीटर। तो इसमें क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ इतना पता होना चाहिए था कि E इज इक्वल टू V बाय D। दैट इज वाई पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किए बिना ही आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करते आ सकता है। यू डोंट हैव टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एक्सट्रीमली सिंपल। तो सॉल्यूशन में हमको क्या करना है, जस्ट पुट वैल्यूज E इक्वल टू V बाय D। V बाय D, व्हाट इज V, 20 अपॉन D इज 1.25 × 10^-3। 1.25 का डबल 2.5, उसका डबल 5, मतलब 1.25 × 4 इज 5, करेक्ट। उसका डबल 10, मतलब 1.25 × 8 कितना, 10। उसका डबल 20, मतलब 1.25 × 16। तो 1.25 × 16 = 20, और ये ऊपर जाएगा, तो E इक्वल टू 16 × 10^+3, और वोल्ट अपॉन डिस्टेंस है तो वोल्ट पर मीटर। तो अगर 10^3 नहीं लिखना है तो किलो लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, किलो। तो 16 किलो वोल्ट पर मीटर, तो 16 × 10^3
वोल्ट पर मीटर। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, गुड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 पॉइंट चार्जेस, वी हैव 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट आइसोसेलस ट्राइंगल। तो हमारे पास एक राइट आइसोसेलस ट्राइंगल है। राइट मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, एक्सिस मतलब टू साइड्स आर इक्वल, और दिया भी है 5 एंड 5। आगे बोला है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो ये पॉइंट पी है, विच इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज। यू हैव 3 पॉइंट चार्जेस, 10 माइक्रो कूलम। बी पे चार्ज कितना है वो लिखा नहीं है, लिखना चाहिए, मिस हो गया, आई विल पुट इट डाउन। तो 3 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ अ राइट आइसोसेलस ट्राइंगल एज शोन इन फिगर। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके तीनों वर्टेक्स पे 3 चार्जेस है। ओके, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पी पॉइंट पे जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, दैट इज द क्वेश्चन। तो प्रिंटिंग मिस्टेक्स है यहाँ पे थोड़े से, पहले तो वो करेक्ट होने चाहिए। दिस इज 10 माइक्रो कूलम, तो वो सफिक्स में सी नहीं आना चाहिए, बिकॉज यू नो माइक्रो मतलब 10 पावर -6। तो ये भी कितना है, 10 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, यहाँ पे +2 माइक्रो कूलम का चार्ज है। तो 10, 2 एंड 10, करेक्ट। देन आइडियली इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। अभी 2 लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं वो सब देखा था। व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, 1/4 π ε₀ q1 q2 r². तो मुझे अगर पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो फोर्स के फॉर्मूला में किसको 1 करना पड़ेगा, Q2 को। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन गया, 1/4 π ε₀ q1 r². सेकेंड चार्ज का चाहिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो Q1 को क्या बनाना पड़ेगा, 1। तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सेकेंड चार्ज कितना है, 1/4 π ε₀ q2 r². इन जनरल किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, 1/4 π ε₀ चार्ज अपॉन r². गुड। तो पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है। देन मैं वो डायग्राम वापस ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे जो दिया है। तो हमारे पास एक राइट आइसोसेलस ट्राइंगल है, यू हैव राइट आइसोसेलस ट्राइंगल, एंड रिमेम्बर बोथ टू साइड आर सेम, तीसरा है हाइपोटेन्यूज। ओके, देन यहाँ पे था ए पॉइंट, यहाँ था बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, दिस इज मिड पॉइंट पी। इस मिड पॉइंट पी पे हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पी पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो 3 चार्जेस है, तो पी पॉइंट पे तीनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। किसका किसका होगा, ए का, बी का और सी का। लेकिन व्हाट यू नो इज इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करता है चार्ज पे और डिस्टेंस पे, चार्ज पे और डिस्टेंस पे। ये डिस्टेंस कितना है, 5। ये डिस्टेंस कितना है, 5। तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, 5√2, क्योंकि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन डेटा है, मैं पहले वो लिख देता हूँ, बाद में देखते हैं। तो चार्ज एट ए ये +10 माइक्रो कूलम था, चार्ज एट बी ये +2 माइक्रो कूलम है, चार्ज एट सी भी +10 माइक्रो कूलम है। डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड बी सी इज सेम, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन ए सी आर ए सी स्क्वायर इज आर ए बी स्क्वायर। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम ये आ जाएगा आर ए बी स्क्वायर प्लस आर बी सी स्क्वायर प्लस आर बी सी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 5 स्क्वायर 50 है। आई नो इट इज 50, बट मैं इसको ऐसा लिखूंगा 2 इंटू
5 स्क्वायर, क्योंकि रूट लेने जाएंगे तो इजी हो जाएगा। तो आर ए सी इज 2 रूट 5 सेंटीमीटर, 2 रूट 5 मतलब कि 5 रूट 2, 5 रूट 2, तो दिस इज 5 रूट 2, 5 रूट 2 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो डिस्टेंस बिटवीन ए सी इज 5 रूट 2। तो व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन एपी एंड टीसी, कितना? आई एम आस्किंग यू वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 5 रूट 2 है, कितना ये? 5 रूट 2। तो देन आई एम आस्किंग यू कि अगर ये 5 रूट 2 है तो हाफ हाफ डिस्टेंस कितना हुआ? 5 रूट 2 बाई 2, मतलब 5 बाय रूट 2। तो ये डिस्टेंस कितना है? 5 बाय रूट 2। ये डिस्टेंस कितना है? 5 बाय रूट 2। और एक चीज याद रखना, ये दोनों चार्जेस भी सेम है, यहाँ पे भी +10 माइक्रो कूलम है और वहां पे भी +10 माइक्रो कूलम है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है आपको? पी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? पी पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। वी आर सपोज टू फाइंड आउट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज बिकॉज ऑफ 3 डिफरेंट चार्जेस। तो पहले तो हम फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, फिर मैं बाद में डायरेक्शन बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हो तो यू नीड टू रिमेम्बर कि इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोला है, मतलब आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बोला होता तो स्केलर फॉर्म, मतलब वैल्यू ओनली डायरेक्शन नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको बोला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो ऊपर एक वेक्टर लगना चाहिए। यू शुड नो नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ये 3 चार्जेस से आएगा, ड्यू टू ए प्लस। और जब जब आप वेक्टर लिखते हो, यहाँ पे वेक्टर लिखते हो, तो याद रखना भले ही मैं बीच में प्लस लिख रहा हूँ लेकिन माइनस भी हो सकता है। क्यों? डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दिया, दो वेक्टर्स थे ए बार एंड बी बार, सेम डायरेक्शन, रिजल्टेंट इज ए बार प्लस बी बार। मेरे पास दो वेक्टर है ए बार एंड बी बार, रिजल्टेंट इज फिर ए बार प्लस बी बार, लेकिन क्या होगा यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन होगा। क्यों सब्ट्रैक्शन होगा? डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो याद रखना ये प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी। तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें से 2 कैंसिल होने वाले हैं। क्यों कैंसिल होंगे? लुक, मैंने इसलिए बोला कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? चार्ज एंड डिस्टेंस के स्क्वायर पे, ये तो कॉन्स्टेंट ही है। ए पे और सी पे चार्ज क्या है? सेम। ए और सी का पी से डिस्टेंस कितना है? सेम, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉजिटिव है ना। व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है कि टूवर्ड्स होता है? अवे, मतलब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होगा फ्रॉम ए, मतलब टूवर्ड्स होगा पी। इट इज टूवर्ड्स पी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑफ ए एट पॉइंट पी, तो ई पी ए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी, ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स होगा कि अवे होगा? अवे, तो ये भी अवे है। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ऑफ सी एट पॉइंट पी, ये भी क्या है? अवे है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इसको रीड कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी, बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, करेक्ट। और इक्वल इन मैग्नीट्यूड क्यों हुए? लुक, डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस किसका? पी और सी का, पी और ए का, और चार्जेस भी सेम है, चार्जेस भी सेम है, तो मेंशन कर देंगे यहाँ पे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस केस, वैसे उन्होंने डायग्राम दिया भी है यहाँ पे, यहाँ पे बताया भी है। ये देखो ई ए लिखा है, ई ए मतलब ए से अवे और ई सी मतलब सी से अवे। करेक्ट, से मैंने नाम उल्टे कर दिए, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने इसको सी बोल दिया, इसको ए बोल दिया, डन, कोई फर्क नहीं पड़ता। डजंट मैटर व्हाट इज द नेम यू आर गिविंग, तो नाम कुछ भी दे दो आंसर सेम आएगा, ठीक है। फॉर योर कन्वीनियंस मैं नाम भी उल्टे कर देता हूँ।
ओके आई विल जस्ट चेंज द नेम्स। ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये सी का इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए का। दिस इज व्हाट सी एंड दिस इज व्हाट ए, तो डायग्राम में भी दिया है वैसा, सिर्फ इन्होंने क्या लिखा है ई ए अवे दिखाया है, मैंने भी ई ए अवे दिखाया है। डायग्राम थोड़ा गलत भी लगता है हमको, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से स्टार्ट होता है, चार्ज से, तो वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, चार्ज से। मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, चार्ज। लेकिन डू यू रिमेम्बर वेक्टर्स को आप कहीं पे भी, वेक्टर से वेक्टर, वेक्टर को आप जहाँ चाहो वहाँ मूव कर सकते हो। इफ यू वॉन्ट, इस वेक्टर को आप यहाँ भी रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, कहीं पे भी रख दो, प्रोवाइडेड डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर नॉट चेंजिंग, सेम है, दे आर सेम। तो इसी ईपीए को मैं यहाँ पे भी प्लेस कर सकता हूँ क्या? यस। तो उन्होंने वही किया है, दे हैव डन द सेम थिंग। व्हाट दे हैव डन इज सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए वेक्टर जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां नहीं दिखाया, यहाँ दिखा दिया। क्या फर्क पड़ा? नथिंग। इट इज स्टिल द सेम, ये सेम ही है, सिर्फ ये वेक्टर को उठा के यहाँ रख दिया। क्यों किया? आपको कंफ्यूज करने के लिए किया, दैट्स इट, डजंट मैटर। और वैसे भी नॉट टू रियली कंफ्यूज यू, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो आप, पी पॉइंट पे। तो ये वेक्टर कहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, करेक्ट। तो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप कहीं पे भी दिखा दो, डजंट मैटर रियली। यहाँ तक क्लियर? तो अब कौन से दो वेक्टर्स कैंसल होंगे वो बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए कैंसल होंगे। तो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू सी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, एंड हेंस क्या होगा, क्या होगा, कैंसल आउट, हेंस कैंसल आउट। दो इक्वल और अपोजिट वेक्टर का कैंसलेशन होता है तो कैंसल हो गए, तो एक ही बचा, कौन बचा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी ओनली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू पी, एक ही बचेगा, बी का इलेक्ट्रिक फील्ड। और बी बी ये भी पॉजिटिव है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, अवे होगा, तो अवे एट पॉइंट पी, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ बी टू पी। तो एक काम करो, डायरेक्शन बताना है ना, तो डायरेक्शन फ्रॉम बी टू पी इसको लिख देते हैं बी पी कैप, मतलब बी टू पी कैप। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, बी का, कौन से पॉइंट पे, पी। लुक एट द डायग्राम, दिया है एक ही है, सिंगल वेक्टर दिखाया है, यस। पर डायग्राम गलत है, वो नहीं कर सकते ना, रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग, व्हाई दिस इज रॉन्ग, इट शुड बी नॉर्मल, ये ऐसा परपेंडिकुलर दिखाना चाहिए उन्होंने, ये ऐसा आना चाहिए था। तो लुक, ये नॉर्मल बनता है क्या इधर, इन्होंने दिखाया क्या नॉर्मल, नो। तो डायग्राम क्या है, गलत है, दैट इज व्हाई वी विल नॉट रेफर टू दिस डायग्राम, कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने क्या किया, तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए ड्यू टू सी एंड ड्यू टू बी, हमने भी देखा है सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी ड्यू टू ए एंड ड्यू टू बी, गुड। तो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ड्यू टू बी, सिर्फ बी की वजह से आएगा, तो बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा वो देखो, राइट। कैसे लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, चार्ज, कौन सा चार्ज, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो अभी, बी बी पे चार्ज क्यू बी, अपॉन डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फाइंड कर रहे हो, बी, कौन से पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो, बी, हाँ तो कौन सा डिस्टेंस, हाँ तो यस आर बी पी स्क्वायर, डायरेक्शन क्या है, बी पी क्या, करेक्ट। अब डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी फाइंड कैसे होगा, कैसे होगा बताओ, कैसे होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है ये 90 डिग्री है, मैंने इसलिए बोला कि डायग्राम गलत है, दिस इज रॉन्ग, ऐसा ड्रॉ किया तो राइट एंगल ट्राइंगल बनता ही नहीं है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें से बेस जो है बी ए ये हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है, राइट। एक साइड 5/√2 है, एक साइड 5 सेंटीमीटर है, तो आपको बी से पी का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल
कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल है फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बी ए पी, फ्रॉम ट्राइंगल बी ए पी हाइपोटेन्यूज कौन है इसका, कौन है हाइपोटेन्यूज बी ए, तो बी ए स्क्वायर इक्वल टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। हमारा इंटरेस्ट कौन से डिस्टेंस में था, बीपी, क्योंकि इसी बीपी को क्या बोल रहे हैं हम, आर बीपी, ये सेम डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू पी स्क्वायर इज बी ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। बी ए था 5 सेंटीमीटर, कितना था 5 सेंटीमीटर, तो दिस वाज 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस माइनस ए पी कितना है 5/√2 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर इज 25 माइनस 5 स्क्वायर इज 25√2 का 2, दिस इज 12.5, ये 12.5 है करेक्ट राइट, तो 25 माइनस 12.5 तो कितना 12.5, तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन बी पी का स्क्वायर है। तो व्हाट विल बी फ्रॉम बी टू पी, √12.5 सेंटीमीटर, √12.5 3 और 4 के बीच में, टू बी प्रिसाइज व्हाट इज 3.5 का स्क्वायर, व्हाट टाइम लगाते हो 3.5 का स्क्वायर, टेक टू मच ऑफ टाइम, 12.25, 12.25, हमारा 12.5 है तो हमारा ये 3.5 के थोड़ा सा ऊपर जाएगा। लुक, हमको 12.5 का रूट चाहिए, क्या चाहिए रूट चाहिए, 3.5, 3.5 के थोड़ा ऊपर जाएगा, क्यों, क्योंकि 3.5 का स्क्वायर कितना था, 3.5 का स्क्वायर कितना था 12.25, हमारा कितना है 12.5, तो कितना आया ये, कितना आया 3.53, तो दिस इज 3.53 सेंटीमीटर, 3.53 सेंटीमीटर, ये आ गया डिस्टेंस, सेंटीमीटर है उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स। देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम बी टू पी इज 3.53 × 10⁻²⁪ मीटर, डिस्टेंस मिल गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर लो, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, क्या बन गया था फॉर्मूला, 1/4 πε₀ क्यूबी 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 अपॉन आर बीपी स्क्वायर एंड बीपी कैप, व्हाट इज 1/4 πε₀, 9 × 10⁻⁹, व्हाट इज चार्ज ऑन बी, 2 μC, माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ये कितना आया, ये रफली रफली 3.5 ले लो, इट इज 3.53 अप्रोक्सीमेटली, 3.5 डजंट मैटर रियली, तो ठीक है क्योंकि स्क्वायर करना इजी आता है ना, इजी टू स्क्वायर, गुड। तो ये आ जाएगा 18, ये आ जाएगा 10⁻³, 3.5 का स्क्वायर अभी मैंने बताया 12 पॉइंट, हाँ तो एक काम करो, अब देख लुक, हमको एक्चुअली जरूरत स्क्वायर की ही है, वी एक्चुअली नीड स्क्वायर, तो 3.53, 3.53 का स्क्वायर क्या आएगा 12.5, तो 12.5 आएगा राइट। सिर्फ एक चीज याद रखना, ये सेंटीमीटर में था, मीटर कन्वर्जन चाहिए, मीटर कन्वर्जन और 10⁻²⁪ चाहिए यहाँ पे, तो 3.53 का स्क्वायर कितना है 12.5, और 10⁻²⁪ का स्क्वायर कितना है 10⁻⁴, करेक्ट, ये 10⁻³, ये 10⁻⁴, ऊपर जाके प्लस 18/12, रफली रफली 6 × 2 = 6, 3 × 3/2 मतलब 1.5 अप्रोक्सीमेटली, 1.5, 1.5 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ फ्रॉम बी टू पी राइट। और ये क्या फाइंड किया आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को या तो वोल्ट पर मीटर लिखो या तो न्यूटन पर कूलम लिखो, तो वोल्ट पर मीटर और न्यूटन पर कूलम, ये भी आंसर आना चाहिए, एग्जैक्ट आंसर है हमारा कितना आया करेक्ट, 10⁻⁵ बराबर है राइट। तो एग्जैक्ट करोगे, एग्जैक्ट करोगे तो हमने रफली रफली किया एग्जैक्टली 1.44 आता है, इफ यू डू एग्जैक्ट इट इज 1.44 × 10⁻⁷, गुड।
मैं वापस एक बार बता देता हूँ, सिंपल क्वेश्चन था, जस्ट पे अटेंशन ऑन दिस, आई विल जस्ट टेल यू द मेथड, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। सबसे पहला बेसिक आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे होता है ड्यू टू वन चार्ज, तो मतलब दूसरे जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हो, जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो वहां पे चार्ज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे चार्ज कितना होता है, 1 कूलम। क्यों 1 कूलम? क्योंकि वो डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो पॉइंट नंबर वन शुड बी वेरी वेरी क्लियर कि द पॉइंट वेयर यू आर फाइंडिंग आउट, ये सी पॉइंट था ना, ये ए था और ये बी था, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है पी पे। तो रिमेम्बर दिस, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, जिस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है वहां पे चार्ज नॉर्मली कितना होता है, 1 कूलम। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट अ पॉइंट ड्यू टू अनदर चार्ज, मतलब पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी चार्जेस का होगा, ए का, बी का और सी का। इसमें से सी और ए, इन दोनों पे चार्ज सेम है, इन दोनों पे चार्ज सेम है, दोनों पे कितना है, 10 माइक्रो कूलम, +10 माइक्रो कूलम दोनों पे। ये डिस्टेंस कितना था, 5, ये कितना है, 5, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 5√2, कितना है, 5√2। अब एज अ ट्रिक याद रखो, जब राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइड सेम हो, 5 5 तो 5√2, दोनों 3 3 तो 3√2, दोनों 10 10 तो 10√2, दोनों वाई वाई तो वाई रूट टू, तो ये कितना आएगा, 5√2। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 5√2, तो उसमें से हाफ डिस्टेंस कितना होगा फिर, 5/√2, तो ये कितना आएगा, 5/√2 सेंटीमीटर, ये कितना आएगा, 5/√2 सेंटीमीटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड दो ही चीज पर डिपेंड करता है, एक है चार्ज पे, दूसरा है डिस्टेंस पे। पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है ए और सी का, बी का भी करना है, बी का बाद में करेंगे, बट इफ यू लुक, ए पे चार्ज और सी पे चार्ज सेम, डिस्टेंस भी सेम, दोनों पॉजिटिव है, यस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज अवे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी एट पॉइंट पी, इट इज अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सी, या तो यहां दिखा दो, अगर यहां नहीं दिखाना है तो आप इसको यहां पे भी दिखा सकते हो, आप बोल सकते हो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड एनीवेयर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, आप कहीं पे भी रख दो, नो इश्यूज। सिमिलरली सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू ए, ये होगा अवे फ्रॉम ए, क्योंकि पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम ए, और मैग्नीट्यूड वाइज अगर आप देखोगे तो मैग्नीट्यूड वाइज दोनों वेक्टर्स क्या है, सेम है, क्या है, ये सेम है। तो हमको अभी तक दो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू सी और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड था ड्यू टू ए, एक था ड्यू टू सी, दूसरा था ड्यू टू ए, करेक्ट। तो बोथ आर इक्वल बट अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। मैं अभी ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ये मैं अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक नोटेशन कर रहा हूँ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, एज आई टोल्ड यू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सी, बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, यस, अपोजिट इन डायरेक्शन, यस, रिजल्टेंट इज जीरो, कितना, जीरो। तो अभी सिर्फ एक ही चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा, किसका, बी का, और बी भी पॉजिटिव चार्ज है, कितना है ये, कितना है ये, +2 माइक्रो कूलम, तो इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पी पॉइंट पे आएगा और ये भी पॉजिटिव है, तो डायरेक्शन क्या होगा, अवे, क्या होगा, ये अवे, तो डायरेक्शन इज अवे। अगेन बाय द सेम लॉजिक एज आई टोल्ड यू, वेक्टर को आप जहां चाहो वहां रख दो, तो यहाँ रख दो, ओके, यू कैन कीप इट हियर, रख सकते हो तो रख सकते हो, यहाँ भी रख सकते हो, गया, दिस इज व्हाट यू विल हैव, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P due to B, तो E B, okay, this is E B, textbook के notation के हिसाब से this is E B, good। तो अब अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे फाइंड करना है, मतलब क्या फाइंड करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू B, A और C का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, कैंसल आउट,
तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होगा? ओनली ड्यू टू चार्ज एट बी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए 1/4 π ε₀ q/r² q तो पता है कितना है, 2 μC, मतलब 2×10⁻¹⁶। डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा आपको, यू आर सपोज टू फाइंड आउट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा बी से पी तक, कैसे फाइंड करोगे? ये 5 है, ये 5/√2 है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम ये आपको मिल जाएगा डिस्टेंस। हमने डिस्टेंस फाइंड किया, यस, कितना डिस्टेंस आया? 3.53। तो डिस्टेंस कितना आया हमारा? 3.53 सेंटीमीटर, 3.53 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है या हाइपोटेन्यूज है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके 3.53 सेंटीमीटर आपको मिलेगा, राइट? यहाँ तक क्लियर? तो डिस्टेंस मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो अब सिंपल, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली ड्यू टू बी, दिस इज इक्वल टू 1/4 π ε₀, जिसकी वैल्यू होती है 9×10⁹। चार्ज एट बी 2×10⁻¹⁶, -6 था ना वो, यस। देन अपॉन डिस्टेंस बिटवीन बी एंड पी स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज फ्रॉम बी टू पी, पुट वैल्यूज एंड सॉल्व। आफ्टर सॉल्विंग पुटिंग वैल्यूज वी गेट 1.44×10⁷ N पर कूलम। यहां तक क्लियर है? पक्का? श्योर? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली सिंपल है। अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट अ प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.3×10⁻¹ m। मतलब ये डिस्टेंस रेडियस भी होगा एटम का। तो यू हैव अ सिंप्लीफाइड मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन के अबाउट एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। लेट अस से दिस इज प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन, एंड यू नो इलेक्ट्रॉन इज इन ऑर्बिट अराउंड दिस। तो ये सिंप्लीफाइड मॉडल हो गया हाइड्रोजन एटम का। आपको डिस्टेंस बता दिया प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एन इलेक्ट्रॉन। द डिस्टेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन लेट अस डिनोटेड बाय आर। तो गिवन गिवन क्वांटिटी में आपको आर बता दिया, डिस्टेंस बता दिया, विच इज 5.3×10⁻¹ m। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज, चार्ज ऑन प्रोटॉन क्यूपी इज +1.6×10⁻¹⁹ कूलम। हमको पता होता ही है प्रोटॉन पे चार्ज 1.6×10⁻¹⁹ है, इलेक्ट्रॉन पे -1.6×10⁻¹⁹ है। कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन एट दिस डिस्टेंस। इतने डिस्टेंस पे प्रोटॉन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये पूछा है। व्हाट इज ई? मतलब इलेक्ट्रॉन का कुछ काम ही नहीं है यहाँ, इलेक्ट्रॉन का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस बता दिया उन्होंने, डन। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज? 1/4 π ε₀ चार्ज, जो भी चार्ज, किसका इलेक्ट्रिक फील्ड है? प्रोटॉन का। किसका इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है? प्रोटॉन का। तो ये आएगा Qp/r² क्या आएगा? ये Qp/r² राइट। तो अब करना क्या, आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यू आर जस्ट सपोज टू पुट वैल्यूज हियर एंड डन। तो सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/4 π ε₀ की वैल्यू 9×10⁹। चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 1.6×10⁻¹⁹ -19 सॉरी ओके अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? 5.3×10⁻¹⁰। 5.3×10⁻¹⁰ का स्क्वायर। देन एक काम करो, ये पॉइंट हटा दो, तो कितना हो जाएगा? 10⁻¹⁹ राइट। -20 -20 +9 -11 और 9×16 144। कैसे? 16×10⁻¹⁰, 9 का मतलब 16 माइनस कर लो, 160 में से 16 माइनस कर ले तो कितना आ गया? 144। और 10⁻¹⁹ कितना है? 10⁻¹⁹। 5.3 का स्क्वायर मैं बाद में देख लूंगा,
10^-11 का स्क्वायर। ऊपर एक 10^-11 है, नीचे 10^-11 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, कैंसल आउट, सिंपल। देन इसके बाद 144, अभी 5.3 का स्क्वायर कर लेते हैं, लेकिन 10^-11 ऊपर जाएगा तो 10^+11 हो जाएगा, करेक्ट? यहाँ तक 5.3 का स्क्वायर 28, 27, आई डोंट नो, 28 point something, ठीक है, अभी वो आप खुद ही कर लेना, डजंट मैटर। आपके पास लॉन्ग बुक होता है 28.09, तो 28.09, 28.09, 144/28 है ना, 150/30 कर लो। व्हाट इज 150/30? 5। तो 5 × 10^11 कितना? 5 × 10^11, रफली रफली बताया मैंने 5। एग्जैक्ट करने जाओगे तो 144 डिवाइडेड बाय 28.09, दिस इज एग्जैक्ट 5.12। तो रफली रफली 5 था, एग्जैक्ट इज 5.12 × 10^11। क्या फाइंड किया आपने? इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो न्यूटन पर कूलम या तो वोल्ट पर मीटर। और यूनिट हर बार लिखना है, यूनिट का हाफ मार्क जाता है। अगर आप एग्जाम में यूनिट नहीं लिखते हो तो हाफ मार्क जाएगा। डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्मॉल स्पीयर्स 18 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर है, हैव इक्वल नेगेटिव चार्जेस, मतलब Q1 = Q2 है, एंड रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 6 × 10^-8 न्यूटन, फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर्स। वेरी गुड एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन अगेन। गिवन पैरामीटर में सबसे पहले आपको बताया है डिस्टेंस बिटवीन द टू 18 सेंटीमीटर, तो यहीं पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10^-2 मीटर। द रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स, और चार्जेस दोनों सेम है, तो Q1 = Q2 = Q। द रिपेल ईच अदर विथ अ फोर्स ऑफ 6 × 10^-8 न्यूटन। आपको पूछा है फाइंड द टोटल चार्ज ऑन बोथ द स्पीयर्स, मतलब फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 एंड Q2 फाइंड करना, मतलब दोनों सेम ही है क्योंकि इक्वली बोला है तो सेम है, और फोर्स दिया है, अगर फोर्स का वैल्यू दिया है मतलब डेफिनेटली फोर्स का फॉर्मूला यूज होगा, विच इज 1/4π∈Q1Q2/r2। तो क्वेश्चन इसके बहुत ज्यादा सिंपल है, फोर्स दिया है मतलब फोर्स का फॉर्मूला यूज करना है, मतलब फॉर्मूला पता होना चाहिए, 1/4π∈Q1Q2/r2। एंड देन इट इज नथिंग, सो सिंपल, क्योंकि अब आप क्या करोगे, आप सिर्फ यहाँ पे Q1 Q2 को Q लिख दोगे तो फोर्स बन जाएगा 1/4π∈Q1 इज Q, Q2 इज Q, तो ये आ जाएगा Q² / r² एंड इन द नेक्स्ट स्टेप यू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। फोर कितना था? 6 × 10^-8। 1/4π∈0 इज 9 × 10^+9, कितना? +9। क्यू स्क्वायर तो फाइंड ही करना है, अपॉन डिस्टेंस कितना था? 18 सेंटीमीटर, मतलब 18 × 10^-2 का स्क्वायर। गुड, शिफ्ट कर दो सब कुछ यहाँ पे, तो देयरफॉर सिर्फ क्यू स्क्वायर को एक साइड पे रखेंगे, 6 × 10^-8, ये 18 × 10^-2 का स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो 18 का स्क्वायर 18 स्क्वायर, बराबर 18 स्क्वायर, तो मैं 18 × 18 लिख सकता हूँ क्या? यस, राइट, क्यों किया? क्योंकि 9 × 1 = 9, 2 = 2, कैंसिलेशन होगा। 10^-2 का स्क्वायर -4 अपॉन 9 × 10^-9, कुछ नहीं है, इसको यहाँ शिफ्ट किया डिनोमिनेटर में, इसको वहां पे न्यूमरेटर में, तो यह आ जाएगा आपका 1 एंड 2, राइट? गुड, और ध्यान रखो ये स्क्वायर है, तो डू नॉट बी इन हरी, ऑलवेज इन हरी टू डू कैलकुलेशन। जितना ज्यादा घाई करोगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट होगा, तो पहले 10 के पावर एडजस्ट करते हैं, -8
-4 कितना, -12, नीचे कितना है +9, ऊपर जाएगा तो -9, तो -12 -9 -21, करेक्ट। देन ये 6 to the 12 18 का थोड़ा बड़ा हो गया नंबर, रूट निकालने में प्रॉब्लम होगा, करेक्ट। तो ऐसा नहीं करेंगे फिर, क्या करेंगे, 18 है ना, 9 into 2 18, 9 into 2 18, और ये बाहर 2 है तो 2 into 2 कितना 4, ओके। तो देखो आप ऐसा है, क्या कर सकते हो आप, व्हाट यू कैन डू इज इन दिस केस, 6 को भी 3 into 2 लिख सकते हो, आपको रूट किस चीज से पता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपको रूट कौन से पता है, 18 to the 36, इसका रूट पता है, पता है, हाँ पता है, तो गुड, 18 to the 36, तो 6 into 36, गुड। देन यहाँ तक क्लियर, पक्का, वेरी गुड। ये 10 power -21 को ऐसा लिख दो, -20 and 10 power -1, ये सब क्यों, ओनली टू टेक स्क्वायर रूट सो दैट वी कैन फाइंड आउट स्क्वायर रूट इजीली। तो कैसे इजीली होगा, देखो अब ले लो क्यू, वैसे तो नॉर्मली एक नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस, क्यों, क्योंकि बोला ही है चार्जेस आर बोथ नेगेटिव। 36 का रूट कितना, 6, ये बाहर 6 था, इसका रूट 6, रूट सिक्स 36 का 6, 10 power -20 का -10, और ये 10 power -1 का रूट है, तो √10 power -1 मतलब 1/√10, बराबर क्या, 1/√10 आएगा कि, है ना, ये 10 power -1 था, इस 10 power -1 को मैं नीचे भेज देता हूँ, मैं स्टेप्स कम करके बता रहा हूँ इंटेंशनली, सो दैट थोड़ा सा यू हैव टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशन रैपिडली। मैं यहीं पे उसको बोल देता 3 and 5, नहीं किया मैंने, इंटेंशनली नहीं किया, तो यू शुड नो दिस इज √10। अब -√6/10, व्हाट इज √6/10, √3/5, यू नो व्हाट इज √3, यू नो व्हाट इज √3, नहीं पता, पता होना चाहिए, √5, हाउ मच इज √5, हाउ मच इज √5, कितना होता है √5, नहीं पता, व्हाट इज 2.3 का स्क्वायर, व्हाट इज 23 into 23, ओके, 5 का स्क्वायर रूट 2.23, मैंने इसलिए पूछा 2.3 बताओ पहले, 2.23 है ये, 2.23 है, कितना है ये, 2.23 इंटू कितना 6 इंटू कितना 10 power -10, 1.732, 1.732 अपॉन 2.23 इंटू 6, 1.732 डिवाइडेड बाय 2.23 कितना आ गया, 0.77 इंटू 6 मतलब 5, 4.66 रफली रफली 5, ठीक है, 4.66, तो द आंसर विल बी -4.66 इंटू 10^-10। कैलकुलेशन खुद से करने हैं, डू नॉट डू दिस पिच पिच हियर, तो दिस इज इक्वल टू -4.66 इंटू 10^-10 कूलम्ब, राइट। क्वेश्चन एक्सट्रीमली सिंपल था, दो चार्जेस थे, दोनों नेगेटिव चार्जेस बोले हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो Q1 Q2 इक्वल टू Q, फोर्स दिया है, डिस्टेंस दिया है, आपको बोला है Q1 Q2 की वैल्यू फाइंड करो, मन अपॉन 4π ε0 Q1 Q2 बाय r फॉर फोर्स, Q1 Q2 सेम था, इसके बाद फिजिक्स था, तो इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है और आपको क्यू फाइंड करना है, तो क्यू स्क्वायर तक तो आ गए, कैलकुलेशन पे अटक गए, तो नंबर सोचना पड़ता है डायरेक्टली, अगर कर लेते सपोज करते, पहले तो 18 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर उसको डिवाइड बाय 9 करते, फिर मल्टीप्लाई बाय 6 करते, बेटर क्या है, 18 का स्क्वायर 18 into 18 1 and 2, इसको भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, 6 into 2 12 into 18,
वो 216 होता है वैसे, बट यू डोंट हैव टू डू दिस, क्योंकि 8 2 18 2 18 2 36 स्क्वायर रूट लोगे तो 6 बन जाएगा वो, तो 36 का स्क्वायर रूट रह गया 6, रूट 6, रूट 6 राइट। और नीचे ये 10 पावर माइनस 21 था, तो कभी भी 10 के पावर में अगर ऑड नंबर हो तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली मिलता नहीं है, 10 का पावर इवन करना पड़ता है स्क्वायर रूट के लिए। तो इवन कर लिया 10 पावर माइनस 20, और -1 अलग से, वो -1 कहाँ गया, नीचे। तो 10 पावर माइनस 20 का रूट कितना आ गया, 10 पावर माइनस 10, और √10 नीचे, √6/10, व्हाट इज √6/10, 3/5, √3 is 1.732, √5 is 2.23, करेक्ट, इंटू 6, तो 1.732 अपॉन 2.2 इंटू 6 ये आ जाता है -4.66 इंटू 10 पावर माइनस 10, डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो प्रोसेस ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द सेम क्वेश्चन, इट इज ऑफ द सेम टाइप, सिर्फ उसमें वैल्यू थोड़े से अलग है। तो लेट अस सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। अ चार्ज प्लस क्यू एग्जर्ट्स अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड -0.2 न्यूटन ऑन अनदर चार्ज -2 क्यू। तो Q1 की वैल्यू प्लस क्यू है, Q2 की वैल्यू -2 क्यू है, फोर्स है -0.2 न्यूटन। इफ दे आर सर्विटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, मतलब R की वैल्यू 25 है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q। वैल्यू ऑफ Q, व्हाट इज Q? Q1। तो किसकी वैल्यू पूछा है आपसे, Q1। तो सबसे पहले गिवन डेटा में आपके पास क्या क्या है, नंबर वन Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू -2 क्यू, फोर्स F इक्वल टू -0.2 न्यूटन, डिस्टेंस R इज 25 सेंटीमीटर, मतलब 10 पावर माइनस 2 मीटर। ये सब डेटा है, अब पूछा क्या है Q, लेकिन Q कौन है, Q1। तो क्या पूछा है, Q1, तो फाइंड क्या करना है आपको, Q1 दैट इज इक्वल टू Q। ओके, देन यू मस्ट नो विच फॉर्मूला विल यू बी यूजिंग हियर, फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 by R2। सिंपल, दैट्स इट, इतना ही फॉर्मूला यूज करना हो गया। देन सॉल्यूशन में अब डायरेक्टली वैल्यू जाएगी, फोर्स की वैल्यू थी -0.2, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है 9 × 10 पावर 9, Q की वैल्यू है +Q, Q2 की वैल्यू है -2 क्यू, डिस्टेंस है 25 × 10 पावर -2 का स्क्वायर। जो पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको कैलकुलेशन बताए थे वो इसलिए बताए थे, दैट इज बिकॉज दिस विल बिकम इजी फॉर यू। अब देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, पहले तो माइनस माइनस लेफ्ट हैंड साइड माइनस राइट हैंड साइड माइनस, गॉन, कंप्लीटली गॉन। अब एक काम करो, क्यू इंटू क्यू कितना आ गया, क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 0.2 अब 9 × 10⁻⁹ अपॉन 25, 25 के स्क्वायर को अलग लिख लो, मैं जानबूझ के स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, इट इज 625, आई नो इट इज 625, लेकिन करना नहीं है, फॉर सम रीजन करना नहीं है, क्यों नहीं करना है बताता हूँ। ये कितना आ गया 2, और ये कितना आ गया क्यू स्क्वायर, और ये 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 पावर माइनस 4। वेरी गुड, ये 1 जा, ये 10 जा, क्लियर। अब अगले स्टेप में ये पूरा का पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, लेके जाओ, कितना आ गया 25 का स्क्वायर, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूं इसका स्क्वायर 10 पावर माइनस 4, और जो न्यूमरेटर में था कितना था, 9 × 10⁹ और 10, मतलब 10⁻¹, तो 9 × 10⁻¹ इक्वल टू क्या है, क्यू स्क्वायर। यहां तक क्लियर, अब वी आर इन अ परफेक्ट सिचुएशन टू टेक डायरेक्ट स्क्वायर रूट, क्योंकि क्या चाहिए था हमको, क्यू, क्यू स्क्वायर पूछा था कि क्यू पूछा था, क्यू स्क्वायर पूछा है कि क्यू पूछा है, हाँ तो डायरेक्टली स्क्वायर रूट लोगे तो देखो 25 का स्क्वायर मतलब कितना, 25 बराबर, 25 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 25 होता है ना, 10⁻⁴ का 9 का, 10⁻⁹ का बराबर 25/3, 24/3 is 8,
25/3 8.33, 1/3 पता होना चाहिए, 1/3 0.33, 24/3 देखो हाउ डू डू कैलकुलेशन अगेन, 24 + 1/3 बराबर है कि बराबर है ना, 25/3 तो 24/3 + 1/3, यू नो व्हाट इज दिस, यू नो व्हाट इज दिस, 0.333, 8.33, 10^5 ऊपर जाके तो कितना आ गया, -7 हो गया, 8.33 × 10⁻¹ कूलम। अगर आपको माइक्रो कूलम में लिखना हो, माइक्रो कूलम में लिखना हो, व्हाट इज माइक्रो, -6, तो इसका माइनस में इसको दे दो तो 0.833, तो 0.833 × 10⁻¹ मतलब 0.833 μC, राइट। तो ये आना चाहिए आंसर, और अगेन टेक्स्ट बुक में गलत आंसर है, क्या दिया है आंसर, तो आंसर ये आएगा, डन। दिस इज हाउ वी आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड दैट्स इट फॉर टुडे।